रिश्ते हमारे परिवार में और गणित में, भाग एक। माता पिता, चाचा चाची, मामा मामी, भांजे भतीजे, ये सारे एक परिवार के घटक या हिस्से होते हैं। हम इन रिश्तों को समझते हैं। पिताजी के भाई को चाचा कहते हैं और माँ के भाई की बीवी को मामी और वगैरह वगैरह। परिवार के हर घटक का दूसरे से रिश्ता हम बता सकते हैं। गणित में भी कुछ ऐसे ही रिश्ते होते हैं। 2 × 3 = 6, यह भी एक रिश्ता है। इसमें 2 और 3 गुणक या गुणा के घटक कहलाते हैं। फिर 6 क्या बना? 2 और 3 गुणा करने से जो फल मिलता है उसे कहेंगे गुणनफल। तो क्या आप बता सकते हैं कि 5 और 6 का गुणनफल क्या होगा? और फिर 5 और 6 को क्या नाम देंगे? चाचा किसे कहते हैं? जो पिताजी के भाई होते हैं। और चाचा जी अपने भाई के बेटे को क्या कहते हैं? भतीजा। ऐसे ही नाम गणित में भी होते हैं। अगर हम 6 को 3 से भाग करते हैं या 6 के 3 भाग करते हैं तो जवाब मिलता है हर भाग में 2 और बाकी कुछ भी नहीं बचता। जिसका भाग कर रहे हैं उसे कहेंगे भाज्य, और जिससे भाग कर रहे हैं या जितने भाग करते हैं उसे कहेंगे भाजक। भाग करने पर जो फल या जवाब मिला उसे कहेंगे भागफल, और जो शेष बचेगा उसे कहेंगे शेषफल। तो क्या आप इस गणित में भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल बता सकते हैं?